एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपल टीचर में। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा में यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू में जो आपका बाल विकास पूछा जाता है उसका एक फाइनल रिविजन करना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट वीडियो की हेल्प से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो बाल विकास के जितने भी टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं पेपर वन में और पेपर टू में, इन टॉपिक्स के आपके साथ ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए, इन ट्रिक्स की मदद से आप क्वेश्चन को देखते साथ यहाँ पे 10 से 15 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो को जैसे आप कंप्लीट देखते हैं, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप उठा के देख सकते हैं, पेपर वन का, पेपर टू का, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आप देखेंगे कि आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बाल विकास की बात करूं तो बाल विकास में कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप नॉर्मल पढ़ेंगे और डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ टॉपिक अभी इसके बाद यहाँ पे अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए आएंगे, तो ट्रस्ट के साथ और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले CDP के सबसे बेस की बात करें कि सबसे बेसिक जो टॉपिक आपका पूछा जाता है वे क्या है, वे आपका पूछा जाता है यहाँ पे वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए, वृद्धि और विकास से संबंधित आपको क्या क्या शब्द यहाँ पे याद रखने हैं कि अगर इस पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे पेपर वन में पेपर टू में, आपको कौन से ऑप्शन को पिक करना होगा। तो सबसे पहले जो ग्रोथ है, जो आपकी वृद्धि होती है, ये कैसा होता है, वृद्धि आपकी मात्रात्मक मानी जाती है, यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है, इसकी एक वैल्यू होगी, जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ना, किसी व्यक्ति का वजन बढ़ना, ये सभी चीजें आप माप सकते हो। तो अगर ग्रोथ से संबंधित आपको ऑप्शन मिले तो आप कौन से ऑप्शन को जाओगे, आप यहाँ पे मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव ऑप्शन की तरफ जाओगे। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो जो विकास होता है ये कैसा होता है, ये गुणात्मक होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर आपका ग्रोथ का फैक्टर भी काउंट होता है, यानी कि किसी का विकास हो रहा है तो उसकी वृद्धि भी होगी होगी, अगर उसकी वृद्धि होगी तभी उसका विकास भी एक तरीके से हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, गुणात्मक है, यानी कि इसमें क्वालिटी में चेंज आएंगे जो कि आप माप नहीं सकते। अब देखिए, कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जिसको आप माप सकते हो, जैसे हाइट वगैरह में परिवर्तन, पर किसी के बिहेवियर वगैरह में चेंज आए उसको आप माप नहीं सकते, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम गुणात्मक कहते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट यानी कि विकास से संबंधित और क्या पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट होता है वह कैसा होता है, बहुआयामी। बहुत सारे ऑप्शन में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कैसा है, तो आप कहोगे, आप एक शब्द यहाँ पे यूज करोगे जो कि है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुआयामी होता है हमारा विकास। अब देखिए, कई सारे आपके जो विकास के यहाँ पे सिद्धांत हमारे होते हैं, अब उन सिद्धांतों में यहाँ पे हम लोगों को विकास की दिशा यानी कि इसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट होती है। तो दो तरीके के डायरेक्शन है, एक है सेफेलोकॉडल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको याद करने के लिए और इसको समझने के लिए भी मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आई हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने दो बच्चे बना दिए, अब इन दोनों बच्चों को अगर आप देखोगे तो ये जो सेफेलोकॉडल शब्द है इसको हम कैसे याद रखें। सेफेलोकॉडल मतलब सर से आपका विकास शुरू होता है, CEP ये स्पेलिंग है इसकी, और CAP कैप हम सर में पहनते हैं, तो सर से नीचे की तरफ ये विकास जाता है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन जिसमें बोल रखा होगा कि हेड से टो, कहां से, सर से आपका अगर पैर की तरफ विकास जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेफेलोकॉडल। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है सबसे पहले उसके दिल की धड़कनें सुनाई देती है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी अगर हॉस्पिटल में अगर चेकअप के लिए जाती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर क्या एग्जामिन करते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कर रहा है नहीं कर रहा, और 6 वीक के अंदर अंदर बच्चे का सबसे पहले हार्ट जो है बीट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटर मोस्ट पार्ट है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद बाकी का एरिया। तो इस तरीके से दो विकास की दिशाएँ यहाँ पर दी गई हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्रोथ है
कैसा है? मात्रात्मक है। डेवलपमेंट कैसा है? गुणात्मक है। जो डेवलपमेंट है ये बहुआयामी है, इसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं। अब आप कहेंगे बहुआयामी मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है? अब देखिए, आपकी भाषा में विकास हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, संज्ञान में विकास हो सकता है, कोग्नेटिव डेवलपमेंट, इसके अलावा आपके इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, इसके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है। तो बहुत सारे आयाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें, जो विकास होता है ये आपका कहाँ से होता है? ये आपका जनरल से स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य चीज़ों से आप एक जो एक तरीके से यहाँ पे विशिष्ट चीज़ों तक आप यहाँ पे विकास करते हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर एक छोटे बच्चे को बॉल दी जाए तो पहले वो पूरे अपने हाथों का प्रयोग करेगा इस तरीके से बॉल को पकड़ने के लिए, पर धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी हथेलियों का प्रयोग करेगा। पहले वो जनरल चीज़ों से उसे पकड़ रहा है, फिर वो स्पेसिफिक चीज़ों से पकड़ रहा है। तो इससे आपकी जो स्किल है वो भी दो तरीके की होती है, एक ग्रॉस और एक फाइन। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं टॉपिक के अंदर कितने सारे टॉपिक हैं। तो देखिए, जो जो वर्ड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बोर्ड में लिख रही हूँ, बस एक वाइट शीट में लिखते जाइए, ये आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। ग्रॉस मोटर स्किल होती है जब हम बड़ी मांसपेशियों में कंट्रोल करते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना, एग्जाम्पल पूछते हैं पेपर में। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल, फाइन मतलब बारीक, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना, इसके अलावा सुई में धागा डालना, ये आपके फाइन मोटर स्किल। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं, इनसे आप क्वेश्चन को यहाँ पे डील करोगे। इसके बाद अगला आ जाता है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, जो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे, कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो जीन प्याजे द्वारा दी गई है। और इनकी डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है जो कि है स्कीमा। अब स्कीमा होता क्या है, जीन प्याजे ये बोलते हैं कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके माइंड में एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है बन जाता है, यानी कि एक इमेज बन जाती है। तो आपको स्कीमा से संबंधित जो ऑप्शन मिलेगा वो अगर ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा टर्म जीन प्याजे ने यूज़ किया, तो आपको ये स्कीमा जो है मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको ये टर्म दिखा होगा। स्कीमा जो है यहाँ पे एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि पेड़ कैसा दिखता है, तो पेड़ इस तरीके से दिखता है। तो ये इमेज जो हमारे माइंड में बनी है ये हमारी स्कीमा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है नई नई चीज़ें सीखता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जब बच्चा सीख रहा होगा तो दो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, यानी कि जब बच्चा अनुकूलन अडाप्टेशन करता है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं एसिमिलेशन और एक को बोलते हैं अकोमोडेशन, यानी कि एक को आत्मसात्यकरण और एक को समायोजन। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखिए, अगर बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करे तो ये होगा आपका आत्मसात्यकरण, और जब बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें बच्चे को मॉडिफाई करना पड़े नई नॉलेज को सीखने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चा समायोजन करेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब अगर मान के चलिए कि बच्चे के पास एक सॉफ्ट टॉय है और वो एक डॉग है, तो बच्चे ने देखा कि वाइट कलर का एक डॉग है और उसके चार पैर हैं, पूंछ है, तो उसको वो डॉग डॉग बोलता है क्योंकि उसके घर वाले उसे डॉग बोलते हैं। तो बच्चा एक दिन पार्क गया और पार्क में उसने एक गाय को देखा, एक काउ को देखा, तो काउ को देखते ही वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये डॉग है। तो बच्चा क्या कोशिश कर रहा है, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चा दिमाग लगा रहा है कि ये आपका क्या हो सकता है, डॉग, यानी कि कुत्ता हो सकता है। पर जो उसके साथ गया होगा उसको तो पता है कि भाई ये तो डॉग नहीं है, ये तो काउ है। तो यहाँ पे उसके पूर्व ज्ञान में बदलाव किया जाएगा कि हर सफ़ेद दिखने वाली चीज़ या चार पैरों वाला जानवर डॉग नहीं होता, ये काउ है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे समायोजन किया जा रहा है। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, जब हम प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जोड़ें तो क्या है, एसिमिलेशन, और अगर उसमें मॉडिफाई किया जाए, उसमें मॉडिफिकेशन हो यानी कि परिवर्तन किया जाए, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है अकोमोडेशन। अब देखिए, जीन प्याजे की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने हमें चार स्टेजेस दिए। एक दिया सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीपेशी अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक होती है, जिसमें बच्चा चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, फिर नहीं रहा, बस अपनी इंद्रियों की मदद से, सेंसेस की मदद से चीज़ों को सीख रहा है। और यहाँ पर ये अवस्था ख़त्म होते होते ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में कब आती है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे, आप अगर मान के चलिए कि उनके सामने कोई वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं, और अगर आप
स्टार्टिंग में जब वो बच्चा 1-1.5 साल का था, आप छुपा देते थे, बच्चे को लगता था गायब हो गया। जैसे जैसे ये अवस्था ख़त्म होने वाली होती है, यानी कि 2 साल तक बच्चा पहुंचता है, उसको पता चल जाता है आपने पीछे छुपाया है। तो ये जो क्वालिटी होती है, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के ख़त्म होते होते आ जाती है। इसके अलावा जो अगली अवस्था है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ये एज भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं था तो मैंने ये मेंशन नहीं किया। जो मैं बोल रही हूँ वो बस लिखते जाइए, जो लिखा हुआ है आप अगर लिखेंगे, इनके नोट्स आपके 2 से 3 पेज से ज़्यादा नहीं बनने वाले, बट रिविजन में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब देखिए, 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है पूर्व सक्रियात्मक, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसके अंदर बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पेंसिल, इस तरीके से बच्चे का एटीट्यूड होता है। सेंट्रेशन, अगर बच्चे को 2 चीज़ें दिखाई जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 10 रुपये का नोट दिखाया जाए, 10 रुपये का सिक्का दिखाया जाए, और बच्चे को कहे कि इनमें से तुम्हें एक चीज़ लेनी होगी, तो बच्चा 10 रुपये का नोट लेगा, बच्चे को लगेगा भाई ये तो ज़्यादा है, और बच्चा यहाँ पे देख नहीं पा रहा कि दोनों बराबर हैं, बच्चा एक ही क्वालिटी को यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो इसे सेंट्रेशन बोलते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन, अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे 2 बॉटल रख लो, एक लंबा हो एक चौड़ा हो, दोनों में बराबर पानी हो, तो बच्चा लंबे वाले बॉटल को ज़्यादा पानी बोलेगा। तो अभी इसके अंदर इस तरीके की क्वालिटी होती है, अभी बच्चा यहाँ पे चीज़ें रिवर्स नहीं कर पाता, और ये सारी की सारी क्वालिटी ठीक होकर आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जहाँ पे बच्चा चीज़ों को ऑर्डर में लगा सकता है, सीरिएशन कर सकता है, ट्रांजिटिविटी कर सकता है, यानी कि बच्चा चीज़ों में तुलना कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। ये वर्ड आप लिखिएगा, इन वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बच्चा चीज़ों को रिवर्स कर पाएगा, बच्चा यहाँ पे संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, जो कि बच्चा इससे पहले नहीं बता पा रहा था कि दोनों में बराबर पानी है, अब बच्चा वो भी बता पाएगा। इसके अलावा जो आखिरी अवस्था आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब देखिए, ये अवस्था थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक, जो कि आपकी मूर्त सक्रियात्मक, और 11 से लेकर आगे की अवस्था आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें आपको एक ऑप्शन मस्त मिलेगा, जो कि आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा अगर आपका ये पूछा जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वर्ड मिलेगा, जिसमें यहाँ पे क्या है कि बच्चा डिडक्टिवली रीजनिंग कर पाएगा, कई सारे तर्क लगा पाएगा इस वाले ऑप्शन में। तो इस तरीके से जीन प्याजे के रिलेटेड आपको ये सारे टर्म यहाँ पे पता होने चाहिए। अभी मैंने आपके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास डिस्कस किया। अब अगर हम वाइगोट्स्की की थ्योरी की बात करें, अभी अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो बस आप इस चीज़ों को सुनते जाइए, आपका काम बन जाएगा। और वाइगोट्स्की की थ्योरी के ये जो 4-5 शब्द लिखे हैं, बस अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें सोशियो कल्चर थ्योरी दी। सबसे पहले तो इनकी थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि अगर बच्चा यहाँ पे एस मतलब सोसाइटी और कल्चर, सोसाइटी और कल्चर, समाज और संस्कृति के परस्पर संबंध में आएगा, इंटरैक्शन में आएगा, तो बच्चे के एल यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में देखने को मिलेगा, भाषा विकास बच्चे में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जब बच्चा किसी भी नई चीज को सीखता है तो एक ऐसा एरिया आता है जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ZPD, यानी कि ZPD के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ZPD के अंदर होता क्या है कि बच्चा किसी नए काम को किसी और की मदद से सीखता है, और जब वो बच्चा उसकी मदद से वो चीज़ सीख लेता है तो यहाँ पे वो बच्चा अकेला उस काम को कर पाता है। तो ये जो आपका ZPD है, ये आपकी ZPD के अंदर क्या है, ये एक तरीके का क्या माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है, एरिया माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि इस क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति जो है इसकी मदद कर रहा होगा, और जो व्यक्ति मदद कर रहा होता है और उस मदद को क्या बोलते हैं, पांड यानी कि स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक टीचर है जो कि देख रही है कि कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो कुछ हिंट कुछ क्लू दे रही है, तो वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कर रही है बच्चे का, वो यहाँ पे मदद कर रही है जिससे बच्चा वो काम सीख सके। और यहाँ पर जो व्यक्ति मदद कर रहा है, जो व्यक्ति हेल्प कर
कर रहा है उसको MKO मोर नॉलेजेबल अदर बोला जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, जो व्यक्तिगत बात है यानी कि प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बच्चा खुद को रेगुलेट करता है, जैसे कि बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है तो बच्चा खुद से बोल रहा है ये वाला यहाँ पे लगेगा, ये वाला यहाँ पे लगेगा। ये जो प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? Vygotsky ने दिया। तो ये 3-4 शब्द हैं, इनको याद रखिए और क्वेश्चन को बिल्कुल सही कीजिए। इसके अलावा आपसे NCF 2005 का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस 2-4 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले इसके अंदर ये बोला गया हमें लर्निंग को, हमें जो अधिगम है उसे किस तरीके से, शिक्षा को किस तरीके से बनाना है। शिक्षा को हमें बिना बोझ के हमें बच्चे को देना है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है इसका थीम रखा गया। और बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चे का जो एक तरीके से लर्निंग है उसे कहाँ से कनेक्ट करना है, क्लासरूम तक सीमित नहीं करना, उसे आउटसाइड द क्लास लेके जाना है, यानी कि बच्चे के जीवन के साथ उसे जोड़ के हमें पढ़ाना है। तो ऐसे ऑप्शन जिसमें हम अवसर दे रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे, बच्चे को यहाँ पे एक्टिवली पढ़ा रहे होंगे, बच्चे को कभी पैसिव निष्क्रिय तरीके से नहीं पढ़ाना, एक्टिवली पढ़ाना है, तो आपको ऐसे ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैं इसके अलावा जो टॉपिक आपके रह गए इनको मैं ज़रा कवर करूँ। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, आपके पेपर में कई बार ये टर्म आपको देखने को मिलेगा CDP में। अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा होता है वो क्या होती है, इसके अंदर एक एम रखा जाता है कि सबको आपको शिक्षा देनी है, सबको एडुकेट करना है और सबको साथ में लेके चलना है, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट या इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आने वाले सभी स्टूडेंट को आप साथ में इकट्ठा मिलकर पढ़ाओगे। और इसके अंदर हम IEP पे ध्यान देते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान पे ध्यान देते हैं कि हर बच्चे को हम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें सब बच्चे को समान अधिकार देके, सब बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ पढ़ाया जा रहा हो। और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इक्विटी, यानी कि हम समता के आधार पर हम पढ़ाते हैं, इक्वालिटी जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा देखिए अगर हम सोशलाइजेशन, समाजीकरण की बात करें तो देखिए समाजीकरण दो तरीके से होता है, एक होता है आपका प्राइमरी एजेंट और एक होता है सेकेंडरी एजेंट। ये क्वेश्चन बोलते हैं कि प्राइमरी एजेंट कौन सा है, सेकेंडरी एजेंट कौन सा है, तो देखिए प्राथमिक एजेंट के अंदर वो आते हैं आपके समाजीकरण में जो आपसे बहुत ज़्यादा हद तक जुड़े होते हैं, जैसे कि आपका परिवार हो गया, आपके जो आस पड़ोस हो गए, ये इमीडिएट जो फैमिली होती है वे आ जाते हैं। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जब बच्चा कम्युनिटी के संपर्क में आता है, जब बच्चा स्कूल जाता है, न्यूज़पेपर, आपके जो संचार माध्यम है वो सारे आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से भी पूछ लिया जाता है कि मोटिवेशन आप बच्चे को किस तरीके से दे सकते हो। तो देखिए मोटिवेशन हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक आपका आंतरिक तरीके से और एक आपका बाह्य तरीके से, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। आंतरिक तरीके से क्या होगा कि जो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी, जो बच्चे के अंदर बहुत सारा क्रियोसिटी होगी और बच्चे अपने स्किल को ठीक करना चाहेंगे, तो वो होगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, जब आप कहोगे कि अगर आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा, ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, कौन सा एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, तो ये आपको करना है। एक टर्म आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे जो कि है मेटाकोग्निशन। कोग्निशन क्या होता है? संज्ञान। जब हम मेटाकोग्निशन करते हैं तो अपने संज्ञान पे खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि आप अपनी थिंकिंग पे खुद आप जब आप सेल्फ थिंकिंग करो तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञान का आप क्या कर रहे हो, संज्ञान पे आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, संज्ञान कर रहे हो, कोग्निशन पे आप एक तरीके से कोग्निशन कर रहे हो ताकि अपने स्किल को बढ़िया कर सको। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से पूछा जाता है जो कि हावर्ड गार्डनर की आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इनकी थ्योरी का नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपका हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया हुआ है। और इनका ये मानना था जो हमारी इंटेलिजेंस होती है बहुआयामी है, मल्टीपल डायमेंशन है इसके, और अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है और बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं है तो सिर्फ आप उसे इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे, यानी कि इंटेलिजेंस के कई सारे डायमेंशन हैं जैसे कि यहाँ सारे मेंशन किए गए हैं।
सबसे पहला है यहाँ पे शाब्दिक भाषा, यानी कि सबसे पहले आता है वर्बल लिंग्विस्टिक। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपकी कोई स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन होता है तो बहुत अच्छा बोल पाता है, तो उसके अंदर यहाँ पे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। इसके अलावा अगला है तार्किक गणितज्ञ। अब बच्चा कोई है जिससे रटा नहीं जाता, चीज़ें याद नहीं कर पाता, बट लॉजिकल मैथमेटिकल चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाता है, तो उसके अंदर ये इंटेलिजेंस होगी। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बच्चा जो है मैथ्स के पजल बहुत अच्छा सॉल्व कर पाता है, तो उसके अंदर यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी इंटेलिजेंस है। इसके अलावा स्थानिक, ये जो स्थानिक यानी कि स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस है, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। जैसे कि आप आर्किटेक्चर को देख पाओगे, आप मूर्तिकार को देख पाओगे, वो एक तरीके का इमेजिनेशन बहुत बढ़िया करते हैं। मूर्तिकार को आप देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति हमें बना के देता है, तो उसके अंदर यहाँ पे स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होगा। इसके अलावा बॉडीली किनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति, अब देखिए इनके अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी पर बैलेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन अब अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे सिंसियर रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेहनत करते हैं। इसके अलावा अगले जो दो है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप अच्छे से करिएगा। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जब हम दूसरों के इमोशन यानी कि इंटरवर्ड जो है ये अदर्स के लिए, जब हम दूसरों के इमोशन दूसरों के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाए तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, और इंट्रापर्सनल जब हम खुद के फीलिंग खुद की अवेयरनेस रख पाएँ तो वो इंट्रापर्सनल होगा। इसके अलावा म्यूजिकल में आप समझ सकते हैं कि जिनमें म्यूजिक का एक तरीके से बहुत अच्छा नॉलेज हो, और नेचुरलिस्टिक जो प्राकृतिक तौर से अपने नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर बोला। इसके बाद आ जाता है आपका मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है, और इनका एक हिंस का डायलेमा बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन्होंने क्या देखा कि बच्चों में नैतिकता किस तरीके से आती है, और इसके लिए एक स्टोरी बच्चे को सुनाई जो कि एक तरीके से हिंस के जो दुविधा है बच्चों के सामने रखी, और बच्चों से पूछा कि हिंस को क्या करना चाहिए। जैसे कि हिंस एक व्यक्ति है जो कि थोड़ा गरीब है और उसकी पत्नी जो है बीमार है, अपनी पत्नी को बहुत पसंद करता है और डॉक्टर के पास लेके आता है और वो चाहता है कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए कैसे भी करके। डॉक्टर बोलता है कि इनको ठीक करने के लिए एक दवा लगेगी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, आप वो दवा जो है वो दवा खाने से ले आओ, यानी कि केमिस्ट के शॉप से ले आओ। अब देखिए उसके पास पैसे नहीं है, उसको दवा भी चाहिए, तो यहाँ पे उसके पास दो सिचुएशन बनती है, या तो वो दवा को चुरा ले, या तो मेडिसिन को स्टॉल कर ले, या तो वो अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़ दे। तो बच्चों से पूछा जाता है कि वहाँ पे हिंस को क्या करना चाहिए, तो बच्चे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर उसे अपनी पत्नी को बचाना है तो अगर उसकी पत्नी की जान यहाँ पे बच सकती है तो वो उस दवाई को चुरा ले। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, हिंस को यहाँ पे चुराना नहीं चाहिए, अगर हिंस चुराते हैं तो हिंस को यहाँ पे जेल हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो नैतिकता है वो बता रखी है। अब देखिए इसके तीन अलग अलग लेवल जो है यहाँ पे बना रखे हैं, और इन तीनों लेवल के अंदर आपके अलग अलग स्टेजेस जो है रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर। अब इसके अंदर क्या है, जब बच्चा शुरुआती दौर पे एक तरीके से नैतिकता दिखाता है यानी कि मोरालिटी शो करता है, वो क्यों शो करता है, क्योंकि वो ओबीडेंट होता है, आज्ञाकारी होता है, एक अच्छा बच्चा होता है, या तो वो दंड से बचना चाहता है, उसकी मम्मी कहती है अगर तुमने अभी शैतानी की तो तुम्हें मैं बाद में मारूंगी, तो इस तरीके से वो बच्चा बचना चाहता है, या तो वो इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज करता है यानी कि आज अगर मैं तुम्हारे साथ टिफिन शेयर कर रहा हूं तो कल तुम मेरे साथ करोगे, या फिर इस तरीके से कि मैं तुम्हें पेंसिल देता हूं तुम मुझे इरेजर दे दो, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज जो है बच्चा चाहता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार यहाँ पे सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि एक बच्ची जो है टिफिन लाना भूल गई और अपने दोस्त से बोल रही कि तुम याद है मैंने कल तुम्हारे साथ टिफिन शेयर किया था, तो आज तुम अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करो। तो बच्चा अभी कौन से लेवल पे है, बच्चा अभी प्री कन्वेंशनल लेवल पे है यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज में है। इसके बाद अगला आता है कन्वेंशनल, जिसमें बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहलाना चाहता है, इस वजह से नैतिकता करता है, या फिर बच्चा लॉ और ऑर्डर से बहुत डरता है कि यानी कि अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तो इस तरीके से बच्चे का जो एक तरीके से मोरालिटी है नैतिकता है वो काम करती है। अगला आता है पोस्ट कन्वेंशनल। अब पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा काफ़ी मेच्योर हो जाता है, जिसमें एक तरीके से बच्चा बोलता है कि अगर कोई लॉ अगर कोई कानून ऐसे हैं जो कि हमारे हित के लिए नहीं है तो उनको बदल देना चाहिए, यानी कि
हिंस अगर अपनी पत्नी को यहाँ पे बचाने के लिए दवाई चुराते भी है तो वो गलत नहीं होगा। तो ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक अगला जो स्टेज आता है वो आता है आपका यूनिवर्सल एथिकल, जिसमें बच्चा अपने बारे में ना सोच के अपने यूनिवर्स, अपने नेचर, अपनी प्रकृति के बारे में सोचता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर यहाँ पे कोहलबर्ग ने ये एक्सप्लेन की। इसके अलावा आपसे डिसलेक्सिया यानी कि सॉरी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया होता है आपका पठन विकार, जो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है इसको बोलते हैं। डिसग्राफिया होता है आपका लेखन विकार, यानी कि जो लिखने से संबंधित आपके विकार होते हैं वो, यानी कि किसी की राइटिंग बिल्कुल पढ़ी नहीं जा रही। इसके अलावा डिसकैलकुलिया होता है गणना से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित। इसके अलावा ऑटिज्म होता है जब बच्चा सोशल इंटरैक्शन नहीं दिखा पाता। लास्ट टू ईयर में बहुत बारी आपसे ऑटिज्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक बच्चे में ऑटिज्म है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाएगा, बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं दिखा पाएगा, बच्चा कट कट के रहेगा। ADHD यानी कि यहाँ पे अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अब बच्चे में कोई यहाँ पे पढ़ने की दिक्कत नहीं है पर बच्चा एकाग्रता के साथ एक जगह पे अटेंशन के साथ नहीं बैठ पाता, तो यहाँ पे अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। डिसमॉर्फिया में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे में भ्रम हो जाता है, यानी कि कोई इल्यूजन उसको दिखाई देने लग जाता है, तो ये होता है डिसमॉर्फिया। अब देखिए ये तो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया। अब इसके अलावा अगर आप बच्चे के साथ मूल्यांकन करना चाहोगे, इवैल्यूएशन करना चाहोगे तो आपको कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, जिसमें आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखो, सबसे बढ़िया ऑप्शन मिलेगा, ये टिक लगा के आना। इसके अलावा CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि पूरे साल भर आप कंटिन्यूस बच्चे का मूल्यांकन करो और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, सिर्फ पढ़ाई को नहीं, आप एकेडमिक के साथ साथ आप नॉन एकेडमिक चीज़ों को भी इंक्लूड करो। इसके अलावा जब आप क्लासरूम में कोई भी चीज़ें पढ़ाते हो तो सबसे पहले पढ़ाने के बाद आपको डायग्नोस करना है बच्चे को, यानी कि ढूंढना है कि बच्चे की कमी कहाँ है, और उसके बाद आपको रेमेडी देनी है यानी कि रेमेडियल टीचिंग देनी है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है, एक तरीके से जब हम गैप ढूंढते हैं बच्चे की लर्निंग और बच्चे के सीखने के बीच में, और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, जब हम उपचार देते हैं, जब हम उस चीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी CDP में पूछी जाती हैं और इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करोगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सेशन आपका जो CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही टारगेट करके यहाँ पे बनाया गया है। आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो देखिए इसी तरीके की जो मैराथन क्लासेस हैं वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे एप्लीकेशन में जुड़ना है तो आपको जो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट है उसमें पिन मिल जाएगा वो कमेंट, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।